है, ये हमें सूट नहीं करता, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी मैं समझता हूँ इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उनके लिए भी होम सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी इंडिया को सपोर्ट करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, आइडिया बुरा नहीं है, मगर मैं आपको बताऊँ आइडिया क्यों इनको आया ये। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में एक खबर फैली हुई है कि जय शाह ने रमीज राजा को सीधे ना बोल दिया है। हालांकि ये तो मतलब एक्सपेक्टेड थी ये न्यूज़, को इसमें कोई नई बात नहीं है। जिस तरीके से रमीज राजा सोच रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये चीज़ें मतलब हवाबाजी कर रहे थे, वो आपको पता चलेगी। तो पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, नजम सेठी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या रीज़न है, फिर उसके वीडियो के बाद बात करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ा आइडिया उन्होंने जो जनवरी में दिया था वो है फोर नेशन T20 सीरीज, सुपर सीरीज जिसका नाम दे रहे हैं, उसमें इंडिया होंगे, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इस पेशकश पे जो BCCI के सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया है। ये आइडिया क्या है सिटी साहब, और कितना सक्सेसफुल हो सकता है आपके ख्याल? रमीज ने ये बात कही है कि एक चार नेशन टूर्नामेंट होनी चाहिए जे। जो टॉप चार क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इनमें से तीन तो वो हैं जो बिग थ्री थी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड। ये बिग थ्री इन्हीं को कहते थे जी, जी बिल्कुल। और ये पूरी एक कंट्रोवर्सी भी चली थी आपको, उससे पाकिस्तान का हमेशा ये मौकफ था कि इसको बिग फोर किया जाए, हमें भी डाल दें इसका। हम अगर उन्होंने नहीं मानी हमारी बात, बहरहाल उसके बाद फिर वो बिग थ्री कुछ अरसे के लिए चला, फिर वो बिग थ्री भी ख़त्म हो गया, वो जो पूरा अरेंजमेंट था एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट था। अब सूरत हाल है कि रमीज राजा साहब कहते हैं कि एक चार नेशन सीरीज होनी चाहिए T20 की, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस हैं ये बहुत कमर्शियली बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के जो मैचेस हैं, पुरानी राइवलरी है ना एशेज की, वो भी बड़े कामयाब होते हैं और बहुत पैसे बड़े बनते हैं उनमें जी। तो उनका ये मतलब था कि ये चार मुल्क जो हैं ये आपस में अगर खेलें वो एक नई स्पेशल टूर्नामेंट T20 की, तो उससे बहुत पैसा बन सकता है। तो साथ मगर उनको इस बात का एहसास भी था कि पैसा तो बन सकता है, मगर हो सकता है बाकी जो मुल्क हैं वो इसको अपोज करें जी, वो लेफ्ट आउट फील करेंगे, चार स्पेशल हो जाएंगे, वो कहेंगे जी ये क्या बात है। तो उससे साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आपने देखा है, वो बहुत टॉप ज़बरदस्त किस्म की चैंपियनशिप जीत रहे हैं। तो इन्होंने फिर ये प्रपोज़ किया कि जी जो पैसे बनेंगे ये चार नेशन टूर्नामेंट के, वो फिर थोड़े से बांट लेने चाहिए बाकियों के अंदर भी, ताकि उनका मुँह बंद करता जाए। ठीक है, मगर वहाँ से BCCI ने जो आगे से जवाब दिया जी, BCCI ने ये जवाब दिया है कि दो बातें कही हैं जय शाह साहब ने जी, जो सेक्रेटरी हैं जी जी। उन्होंने कहा जी एक तो ये है कि ये शॉर्ट टर्म कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, और उसके अंदर दो चीज़ों ज़्यादा है हमें इससे। एक ये हमारी बायलैटरल होम सीरीज, घर में जो हम खेलते हैं ना, पैसे तो वहाँ बनते हैं, तो उनको उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए हमें। इंडिया सबसे ज़्यादा पैसे बनाता है जब इंडिया घर के अंदर को खेलता है, जब इंडिया बाहर जाके उनके मालिक में खेलता है तो सारे पैसे उनको जाते हैं। जो टर्म्स ही होती हैं आयशा की, अगर आप इंग्लैंड है और मैं पाकिस्तान हूँ, जब मैं आपके यहाँ जाके खेलूंगा तो जो पैसे बनेंगे सीरीज में से वो आपके, ठीक है, और जब आप पाकिस्तान आएंगे तो जो पैसे बनेंगे वो हमारे। तो ये बायलैटरल इसको कहते हैं, शेड्यूल इस तरह से शेड्यूल होता है। अब इंडिया कहता है कि जी हमारे लिए तो सबसे ज्यादा अहम ये नहीं है कि हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेलें, हम तो होम सीरीज के लिए सारी की सारी तवज्जो वहीं देना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर कोई और इंटरनेशनल टूर्नामेंट करनी है तो हम तो चाहेंगे ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को इंक्लूड किया जाए। गुड आइडिया है ना, तो कहेंगे ये फोर नेशन जो है ये हमें सूट नहीं करता, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी मैं समझता हूँ इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उनके लिए भी होम सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी इंडिया को सपोर्ट करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, आइडिया बुरा नहीं है, मगर मैं आपको बताऊँ आइडिया क्यों इनको आया ये। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया और पाकिस्तान खेलते नहीं है बायलैटरल, जिसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो जाता है। पाकिस्तान का नुकसान हो जाता है इसलिए क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान आके खेले तो बहुत कामयाब होगी ना सीरीज। अच्छा, तो इंडिया के पास तो सारी दुनिया आके खेलती है, उनको तो इश्यू नहीं बन रहा जी। और ना आए पाकिस्तान डजंट मैटर, दुनिया सारी आके खेल रही है, लंबे पैसे बन रहे हैं, ऊपर से IPL के पैसे बनते हैं, वो तो उनके पास तो सब कुछ है, मेगा इवेंट उनका, मेगा सब कुछ है उनके पास। हमारे पास तो अभी PSL बेचारा बन रहा है जी। और यहाँ और किस्म के भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अब टेररिज्म आ गई, ये हो गया वो हो गया। और दूसरा ये है कि अभी तक तो ये पहली दफा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आ रहे हैं जी, और न्यूजीलैंड अब आएंगे जो कि आए थे जब भाग गए यहाँ से, तो हमारे लिए तो ये एक नई चीज डेवलप हो रही है, इसलिए हमारे जो रिसोर्सेज है फाइनेंशियल वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है इस वक्त। अच्छा, थोड़ा बहुत ICC से हमें पैसे मिल जाते हैं
और बाकी हम पीएसएल से पैसे बनाते हैं। पीएसएल से पहले तो हमारा हाल बहुत बुरा था कि जितने पैसे आईसीसी से मिलते थे वो मर के हमारे खर्चे पूरे होते थे घर में, क्योंकि लोग यहाँ आते ही नहीं थे खेलने के लिए। अब लोग आना भी शुरू कर रहे हैं और पीएसएल भी बढ़ गया है। पीपीसीबी की मामली हालात बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, तो रमीज राजा साहब ने सोचा एक और भी प्रपोजल दे देते हैं। तो आपके ख्याल में कन्विंस कर पाएंगे जो उनकी स्किल्स हैं रमीज राजा साहब की? या ख्याल करेंगे शेड्यूल जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल बिटवीन आईसीसी इवेंट्स एंड बायलैटरल सीरीज, वो बहुत टाइट है। वो 5 साल के लिए बुक हुआ है, इतनी सी भी स्पेस नहीं है। अच्छा, तो इसलिए ये एक दफ़ा की चीज़ कैंसिल हो जाए उसको रीशेड्यूल करने में बहुत मुश्किल होती है। अभी ये जो न्यूजीलैंड की सीरीज कैंसिल हुई है, अब उसको रीशेड्यूल करने के लिए आप देखिए कितना पीछे जाना पड़ेगा, और तो ये बड़ा मसला बन जाता है। अच्छा, लेकिन ये मेरा ख्याल है इसकी कोई चांसेस नहीं है। सौरभ गांगुली इससे पहले भी प्रपोज कर चुके थे, उन्होंने 3 नेशन का फार्मूला दिया था जिसमें अब रमीज राजा साहब ने इन कर दिया। वो कह रहे थे 3 ममालिक खेल लें। चले, इंडिया के साथ तो हमारे 2012-13 से कोई 2 मुल्क की सीरीज नहीं हो सकी, बाकी ममालिक को आपके ख्याल में कोई एतराज़ हो सकता है इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया को, तो वो क्या होगा? भारत की तो समझ आती है हमें कि वो इनकार कर देगा। और ये वाली प्रपोजल जी जी मैंने अभी आपसे कहा ना कि वो भी नहीं करेंगे। उनकी वजह ये है कि वो उनकी भी अपना जो शेड्यूल्स हैं वो बहुत टाइट हैं। अच्छा, ये कहाँ से सीरीज निकालेंगे? इसके लिए 4 प्लेयर्स खेलेंगे, ये महीना लग जाएगा इनको करके, कहाँ से निकलेगा? और T20 ही क्यों, टेस्ट सीरीज क्यों नहीं प्रपोज की गई? वनडे भी नहीं बात है ना, T20 सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं ना। अच्छा, क्या कर रही हो? अच्छा, टेस्ट मैच में पैसे नहीं बनते, फास्ट फॉर्मेट। हाँ, ये फास्ट फॉर्मेट में पैसे बनते हैं ब्रॉडकास्ट। तो आपने सुना नजम सेठी को, नजम सेठी बात कर रहे थे, रमीज राजा ने एक सुझाव दिया था 4 नेशन इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और पाकिस्तान को लेकर एक T20 सीरीज कराई जाए। एज अ क्रिकेट फैंस डेफिनेटली एज अ क्रिकेट फैन आप बहुत चाहेंगे कि इस तरीके की सीरीज होनी चाहिए। ऑब्वियसली इस तरीके की सीरीज से काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको भी पता है कि एक तो शेड्यूल इतने टाइट होते हैं कि इस तरीके के सीरीज़ के लिए हमारे पास समय नहीं है। और इस तरीके की सीरीज़ अगर हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलते हैं, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के साथ हम अपना बहुत बड़ा मार्केट शेयर करेंगे, तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो भी इस तरीके के हालात में जब आपको पता है कि भारत में अगर एक हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी होती है तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उस पर ट्वीट कर देता है। तो आप समझ सकते हो कि इन बेवकूफ़ों को क्या पता नहीं, क्या एक पागलपन छाया कि हर इंटरनल मैटर में उंगली करना, भारत में आतंकवाद फैलाना, और किस वजह से भारत पाकिस्तान के मैच बंद हुए हैं ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। भारत पाकिस्तान के मैच 2008 मुंबई हमले के बाद कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम से ही बंद हो चुके हैं। और IPL में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी 2008 का पहला सीजन खेलने के बाद दूसरा सीजन नहीं खेल पाए थे। तो ये है एक इसके पीछे लॉजिक। आपको क्या लगता है मुझे बताइए, प्लीज़ कमेंट में राय दीजिए। अगर आप पाकिस्तान के साथ भारत पाकिस्तान के मैच देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बताइए। और मैं आपको बता दूं कि भारत पाकिस्तान के मैच अब एशिया कप में होंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप 23 अक्टूबर इसी साल भारत पाकिस्तान का मैच, उससे पहले एशिया कप में